नमस्कार, मैं आज कानपुर की देवांशी होमो हॉल में आपको मिलवाता हूँ डॉक्टर सुनील वर्मा जी से, जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपनी भारत भूमि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की जननी है। यहाँ से आप चरक ऋषि से लेकर के बागवत और तमाम ऋषियों ने इस मेडिकल साइंस को भी रास्ता दिखाया है। आज वो चिकित्सा पद्धति कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कुछ पीछे होती दिख रही है, जो इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों की जागरूकता की कमी है। मैं आपको डॉक्टर साहब से मिलवाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या होम्योपैथी से किस किस दवाइयों से कौन कौन से इलाज संभव है, क्या है। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? नमस्कार, सबसे पहले मैं डॉक्टर सुनील वर्मा, मैंने अपना MD राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान से कोलकाता से किया है और मैं प्रेजेंट में देवांशी होम्योपैथिक क्लिनिक पर फिजिशियन हूँ। और मेरे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बीमारियों को लेके मरीज आते हैं और होम्योपैथिक चिकित्सा से उनको लाभ पहुँच रहा है। जी, इससे क्या असाध्य बीमारियों का भी इलाज संभव है? जी जरूर, बीमारियों का संभव है। जी जरूर, अगर हम होम्योपैथी की बात करें या फिर किसी भी विधा की बात करें, आज के समय में जो अपने भारत में जिसको फॉलो किया जा रहा है, तो उसमें अपना एक लिमिटेशन है और एक अपना स्कोप है। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो इनमें हम कई ऐसी बीमारियां ठीक कर सकते हैं जो एलोपैथी में जिनके लिए कोई इलाज नहीं है, या फिर हम बहुत सारी ऐसी माइनर सर्जरी से भी बच सकते हैं। समटाइम्स होम्योपैथी उन बीमारियों में भी इफ़ेक्टिव है जिनमें एलोपैथी में सिर्फ इलाज सर्जरी ही है। और अगर हम बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी ऐसे असाध्य रोगों के लिए कारगर है जहाँ पर मरीज बहुत लंबे समय से बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनमें एलोपैथी में उनको कोई परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या फिर उनको परमानेंट कोई आराम नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें होम्योपैथी में, तो स्किन से संबंधित चर्म रोग, पेट के रोग, गठिया बात, ऐसी समस्याएं या फिर हमारे कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जिनको हम होम्योपैथिक चिकित्सा से, जैसे एलर्जी है, उनको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। जिसका अगर हम देखें एलोपैथी के कंपैरिजन में, वहाँ पर उतना इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट आपको होम्योपैथिक चिकित्सा में देखने को मिल सकता है। इस समय सबसे ज़्यादा किस के मरीज़ आपको आ रहे हैं यहाँ पे, किन किन मरीज? अगर मैं कहूँ, मैं अपनी OPD में अगर पर डे देखता हूँ, करीब करीब 30 से 35 मरीज देखता हूँ, जिनमें ज़्यादातर जोड़ों से संबंधित रोग, स्किन डिजीज और पेट से संबंधित रोगों को मैं ज़्यादातर अपनी क्लिनिक में देख रहा हूँ। इसमें क्या मरीजों को खान पान पर भी कुछ सुझाव अगर आप देना चाहें, क्या दिनचर्या में क्या सुधार करना चाहिए लोगों को? जरूर, खान पान की समस्या अगर हम बात करें तो आज के समय में बहुत कॉमन हो गई है। लोग बाहर के खाने को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और अगर हम बात करें खान पान की, तो खान पान हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है कि अगर हम देखें तो खान पान बीमारियों के से ज़्यादा संबंधित है। अगर हम उस बीमारियों के लिए खान पान को एक सही निर्देश अनुसार लें, अपना लाइफ स्टाइल को सुधारें, तो हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो ज़्यादातर बीमारियों का कारण हमारा खान पान है, हमारा सही लाइफ स्टाइल नहीं होना, सही दिन का शेड्यूल नहीं होना, सही समय पर जागना नहीं है, सही समय पर हमें खाना नहीं खाना, खाने में जितनी हमारी न्यूट्रिशन होना चाहिए वो नहीं मिलना, प्रॉपर फ्रूट्स नहीं लेना। आज हम जित बच्चों में देखें या फिर यंग एज में देखें, तो वो लोग ज़्यादातर ऐसे खाने को प्रेफर करते हैं जिनमें टेस्ट है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो। जी धन्यवाद। मैं कैमरामैन ओमवीर के साथ दिग्विजय सिंह आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ, इस चीज़ को चरितार्थ करने के लिए आप होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को भी अपना सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।